Нет, давайте. Отойди! 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 गिर जाएगा ना गुरु आराम से एक मिनट बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर के पी यादव हमारे बीच में नहीं रहे। वो अचानक जब कभी किसी के साथ इस तरह परिवार में हो जाए जो अचानक परिवार का सदस्य चला जाए तो दुख बड़ा आता है। आज परिवार से मैं मिला, बेटे से और उनके सभी परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला। पार्टी के पुराने नेता थे, हम सब उनके दुख में उन परिवार के साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दुख सहने की शक्ति दे। और आज हम सब समाजवादी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए, उन्हें याद कर रहे हैं। बाइसाइकिल पे कौन कौन हो रहा है सवाल? दावा कर रहे हैं गठबंधन की भी बात। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आज जहां मुजफ्फरनगर में किसान इकट्ठे हुए वहीं भदोही में बड़ी संख्या में शिक्षक और नौजवान इकट्ठे थे। पूरा उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, यहां का किसान, यहां का व्यापारी, यहां का नौजवान, यहां का शिक्षक, यहां का अधिवक्ता, यहां के पत्रकार साथी, यहां के प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग, हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का सहारा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल के कार्यकाल में और उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया, गरीबों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, उत्तर प्रदेश की विकास की गति को रोका है। महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उज्ज्वला का नाम अब बुज्ज्वला कर देना चाहिए। जो अन्नदाताओं को अपमान कर रहे हों वो अन्न मौसम बना रहे हों, और आय दोगुनी किसानों की हुई नहीं, उनकी पैदावार की आय दोगुनी सरकार नहीं कर पाई जबकि महंगाई दोगुनी हो गई। देखिए ये बड़ी संख्या में बच्चों की जान जा रही है और ये गंभीर बीमारी है। इससे पहले भी कोरोना जब आया तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। आज बच्चों के इलाज में भी सरकार अनाज छोड़ रही है जनता को, गरीबों को। इस तरह का काम सरकार कर रही है, सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, सरकार का सफाया होगा। भैया जी चाचा का देखिए सरकार को काम करने की फुर्सत नहीं है, ना काम करना चाहती है। सरकार केवल धोखा देना चाहती है, सरकार झूठ बोलना चाहती है, सरकार गरीबों का पैसा अमीरों को पहुंचाना चाहती है और सरकारी संपत्ति को बेचना चाहती है और धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान के जो अधिकार मिले उनको छीनना चाहती है। समाजवादी पार्टी समाजवादी कार्ड खेलेगी, विकास कार्ड खेलेगी, समाजवादी पार्टी खुशहाली का कार्ड खेलेगी। मैंने ये कहा उनका भी छोटा दल है, उन्हें भी साथ पार्टी लेगी, उनका दल है इसलिए दल को उनकी सीट छोड़ दी है पार्टी ने। बाईस साइकिल में 22 पे कौन कौन सवार हो रहा है, कौन सी पार्टी? अभी कोशिश होगी कि छोटे दलों को साथ लिया जाए और आने वाले समय में जिस तरीके से किसान व्यापारी नौजवान नाराज है, हर वर्ग के लोग दुखी हैं,
सच पत्रकार लिखा देंगे तो इनपे भी कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इसलिए सरकार को हटाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं और इस सरकार के पास मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, जौनपुर का नाम बदल दिया, लेकिन जौनपुर को विकास में पीछे छोड़ दिया। हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को जो मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुए, और भदोही के हम शिक्षक और नौजवानों को बधाई देंगे जो लाखों लाख वहाँ इकट्ठे हुए, लाखों लाख यहाँ इकट्ठे हुए। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आने वाला है। बाईस में और 22 में खुशहाली, 22 में बदलाव। भाजपा भी शिक्षकों का बहुत अपमान हुआ है इस सरकार में, शिक्षकों का अपमान हुआ है। शिक्षकों के तमाम मुद्दों पे समाजवादी पार्टी शिक्षकों की मदद करेगी। भाई साहब।